जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने पति भारत तख्तानी से 12 साल बाद तलाक ले लिया है। शादी के 12 साल के रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। राध्या और मिराया के जन्म के बाद उन्होंने ये कड़ा फैसला जो लिया, वो फैसला उन्होंने अपनी बेटियों के अच्छी परवरिश और बेटियों के अच्छे भविष्य को देखते हुए लिया। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर माँ बाप के अलग होने से बेटियों का जीवन कैसे साकार हो, माँ बाप के अलग होने से बेटियों का भविष्य अच्छा कैसे होगा। तो आपको जवाब देना चाहेंगे, दरअसल ईशा और भारत जब साथ थे तो अपनी बेटियों की फिक्र में ईशा इतनी व्यस्त रही थी कि अपनी बेटियों को लेकर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने वर्क फंड को लेकर वो इतनी व्यस्त हो गई थी कि पति को उनकी ज़रूरत पर भी वो समय नहीं दे पा रही थी। इस चीज़ का उन्हें पछतावा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने भारत को डेटिंग के लिए फैसला लिया कि वक्त देंगी और संडे को स्पेशली उनके साथ वक्त गुजारने लगी। बावजूद इसके ये रिश्ते में कड़वाहटें जो आई, दूरियां जो आई, वो दूरियां मिट ना सकी। और रिश्ते में दूरियां होने पर घर में तनावपूर्ण माहौल के कारण बेटियों की ज़िंदगी अच्छे से आगे बढ़ने में दिक्कत होती। घर का तनावपूर्ण माहौल कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन पर बुरा असर डालता है, ये बात ईशा समझ गई। ईशा को एहसास हुआ कि उनकी बेटियों के साथ वो अच्छा व्यवहार ससुराल में रहकर नहीं कर पाएंगी। कहीं भारत तख्तानी के साथ रिश्ते खराब होने की वजह से वो अपना गुस्सा, अपना तनाव, अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी बेटियों पर ना निकाल दे, इसलिए उन्होंने ससुराल छोड़ भारत से रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया। क्योंकि रिश्ते में रहकर वो अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाती, उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि इसलिए वो अलग हो जाए। वैसे हेमा मालिनी भी अपनी दोनों ही बेटियों को अकेली ही पालती आई हैं, इसलिए भी कहा जा सकता है कि हेमा से ईशा को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी।